हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉडर्न फूड। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कटलेट की रेसिपी। कटलेट की रेसिपी आपने बहुत देखी होगी, बहुत बार बनाई होगी, पर जो मज़ा शादी की कटलेट्स या फिर रेलवे की कटलेट्स में है, वो टेस्ट जनरली घर पे नहीं आता। तो आज हम आपको बिल्कुल वही रेसिपी बताएंगे जो रेलवे की कटलेट्स या तो फिर शादी या पार्टियों में आती है। बस हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करके इन्हें घर पे आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कटलेट बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पे कोई पैन या कढ़ाई ले लेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल के गरम हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक। साथ में हम 2 से 3 या फिर अपने स्वाद अनुसार मिर्च डाल देंगे। अगर हमें ज़्यादा तीखा पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, और हमारे घर में अगर बच्चे हैं तो फिर हम मिर्च हटा भी सकते हैं या फिर कम डाल सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप चाहें तो इसे बिना प्याज का भी बना सकते हैं, पर प्याज से इसमें वो टेस्ट आ जाएगा जो शादी पार्टी में आता है। प्याज को डाल के हम इसे कुछ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें प्याज को भूरा नहीं करना है, इसे ब्राउन नहीं करना है, इसमें क्रंच रहना चाहिए, हमें बस इतना ही इसे पकाना है। प्याज अब थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच गाजर। गाजर को हमने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं, आप चाहें तो इन्हें कद्दूकस भी कर सकते हैं। साथ में हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच बीन्स। बीन्स को भी हमने बारीक बारीक काट रखा है। ये दोनों चीज़ें डाल के हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे भून लेंगे। हम इसे चलाते हुए भुनेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच मटर। मटर इसमें आप उबाल के भी डाल सकते हो। अगर हम उबाल के डाल रहे हैं मटर तो फिर हम मटर सब्जियों के पक जाने के बाद डालेंगे, और अगर हम कच्चा डाल रहे हैं तो इसे इस वक्त ही डाल देंगे। मटर डालने के बाद भी हम इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और चलाते हुए ही इसे हम भुनेंगे। लगभग 1 मिनट और भुनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच चुकंदर। चुकंदर को भी हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये सारी सब्जियां डाल के हम इसे अच्छे से चला देंगे, और आप देख सकते हो ये सारी सब्जियां कितनी कलरफुल दिख रही हैं। ठंड में ये सारी सब्जियां बहुत फ्रेश मिलती हैं, और फ्रेश सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत निखर के आता है। इन सारी सब्जियों को हम 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, फिर हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हरी सब्जियां अब ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, और साथ में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, और हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम डाल देंगे इसमें अपने स्वाद अनुसार या फिर 1 चम्मच नमक। ये सारे सूखे मसाले डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसालों के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, और नींबू का रस डाल के हम इसे फिर से एक बार चला देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े उबले हुए और मैश किए हुए या फिर ग्रेट किए हुए आलू। हम यहाँ पे आलू को ग्रेट करके डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। आलू डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे आलू और सब्जियाँ एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि आलू पे बीटरूट का कलर एकदम अच्छे से चढ़ गया है, और साथ ही साथ ये आलू पैन भी छोड़ने लगा है। मिक्सचर पैन छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारी ये कटलेट का मिक्सचर एकदम रेडी है। अब हम इस टाइम पे इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया डाल के अच्छे से मिला देंगे, और फिर हम इसे गैस से उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारी कटलेट का मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। अगर हमारे पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो हम ब्रेड लेंगे, उसे मिक्सचर में ग्राइंड कर लेंगे, और फिर हम उसे ब्रेड क्रम्स की जगह यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर हमारे पास टोस्ट हो तो हम टोस्ट को मिक्सचर में डाल के उसका पाउडर बना लेंगे, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो हम इसमें सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सूजी से वो क्रंच नहीं आएगा जो ब्रेड क्रम्स से आएगा। तो कोशिश करें कि आपके पास ब्रेड क्रम्स हो। ब्रेड क्रम्स को हम मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से मिक्स कर सकते हैं या तो फिर स्पून से मिक्स कर सकते हैं।
अच्छे से ब्रेड क्रम्स के मिक्स हो जाने के बाद हम थोड़ा सा अपने हाथ में उठा के रोल करके देखेंगे कि हाथ में चिपक तो नहीं रहा है। अगर ये हाथ में चिपक रहा है तो इसका मतलब इसमें मॉइस्चर है, हम ब्रेड क्रम्स की मात्रा और बढ़ा देंगे। और अगर ये हाथ में नहीं चिपक रहा है, ये आसानी से बन जा रहा है, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये कटलेट बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब हम एक स्लरी बनाएंगे। स्लरी बनाने के लिए हम 5 चम्मच मैदा लेंगे और उसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे। फिर हम उसमें पानी डाल के इसका एक मीडियम घोल तैयार कर लेंगे। घोल बनाते वक्त बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई लम्प्स ना पड़े। और हो गई हमारी स्लरी तैयार। स्लरी के साथ साथ हम एक प्लेट में 1 कप ब्रेड क्रम्स लेंगे। अब हम कटलेट्स बनाएंगे। उसके लिए हम एक बॉल साइज का मिक्सचर अपने हाथ में लेंगे और फिर हम उसे अपनी हथेलियों की मदद से एक ओवल शेप का पेटीज तैयार कर लेंगे। बट हम रेलवे की तरह कटलेट बना रहे हैं तो हमें लीव की शेप का कटलेट चाहिए, मतलब ड्रॉपलेट की शेप का कटलेट चाहिए। उसके लिए हम पहले ओवल शेप का कटलेट बनाएंगे, फिर उसके एक एज पे अपने 2 उंगलियों से उसको पॉइंटेड कर देंगे, थोड़ा सा उसका सिरा पतला कर देंगे। बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक सिरा थोड़ा सा हम पतला कर देंगे तो ये बिल्कुल पत्ते की शेप का, मतलब लीव की शेप का हो जाएगा। शेप देने के बाद हम इसे बनाए हुए स्लरी में डिप करेंगे, फिर हम इसे ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे। हम इसे ब्रेड क्रम से अच्छे से कोट करेंगे जिससे इसका बाहर का पोर्शन बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, बहुत ही कुरकुरा बनेगा। और ये हो गई हमारी कटलेट तैयार। आप अगर चाहें तो आप इस कटलेट को अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। आप गोल बना सकते हैं, आप ओवल बना सकते हैं, आप सिलेंड्रिकल बना सकते हैं या हार्ट शेप का भी बना सकते हैं। आपको जैसा मन करे आप वैसा शेप दे सकते हैं। और ये हमने सारे कटलेट्स को अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। हमने बीच में एक हार्ट शेप का भी बनाया है। आप अगर चाहें तो इसको तलने से पहले थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। प्लस अगर आपको आज नहीं बनाना है तो आप इसे इस स्टेज पे ही किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। ये फ्रिज में 2 से 3 दिन खराब नहीं होगा और आपको जिस दिन भी ये बनाना हो आप इसे निकाल के डीप फ्राई कर लीजिए। अब हम कटलेट्स को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम किसी पैन में या फिर कढ़ाई में तेल लेंगे। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। तेल को हमने यहाँ पे मीडियम हॉट गर्म किया है। अब हम कटलेट्स को एक तरफ कम से कम 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे पका लेंगे। फिर हम इसे पलट के फिर से इसे 2 से 3 मिनट या फिर जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता हम इसे अलट पलट के पका लेंगे। और ये देखिए हमारे कटलेट्स एकदम तैयार हो गए। हम आपको पास से दिखाते हैं ये कितने ही क्रिस्पी दिख रहे हैं और कितने यम्मी दिख रहे हैं। अब हम इसे किसी एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल लेंगे और बाकी भी सारे कटलेट्स को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे अपने फेवरेट चटनी या सॉस के साथ। और हो गई हमारी रेलवे स्टाइल कटलेट तैयार। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।